हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल हिलता है फिर भी कमल। कैसी बातें कर रहे हो मानो, तुम्हारी जिंदगी का कोई भी पल अंधेरे में। कमल का और मेरा रिश्ता नदी के दो किनारों जैसा है जो कभी नहीं मिल सकते। जो गरीब वाली मासूम लड़कियों को अच्छे भविष्य का लालच देकर परदेश भेजता है। मैं अपना दुखड़ा नहीं रो रही, और रही बात इस जॉब की, तो मैं खुद अब इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। साल दिवाली पर कमल रंगोली सजाती थी, दिए जलाती थी, दिवाली की चमक उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। कितनी चहल पहल होती थी ना इस घर में, और इस बार कितना सोना सोना सा लग रहा है घर। आखिर वो भी किस उम्मीद पर दिए जलाए, क्या खुशी है उसके मन में जो जो रंगोली सजाए वो। होकर बैठने का नहीं है, आज के दिन आपकी कमल वो सब करेगी जो हर साल दिवाली पर करती आई है। चलिए लेट्स सेलिब्रेट दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत बधाई तुझे, बहुत बहुत दिवाली की बहुत बहुत जी बधाई को, दिवाली बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। दिवाली मुबारक बेटा, हैप्पी दिवाली, दिवाली मुबारक। भाभी एक मिनट, अगर आप बुरा ना माने तो
एक बात कहूं? चंदी जी, आप कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलिए। भाभी, ये एक ऐसा घर है जहाँ पर लक्ष्मी पूजन और काली पूजन एक साथ होता है। हाय शम्भी जी, इसी को तो कहते हैं कल्चर का मिलन। मारवाड़ी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं और हम बंगाली लोग काली की पूजा करते हैं। अब जब दोनों ही होएगा तो दोनों पूजा करेगा ना। कोलकाता छोड़ के आपका दोस्त के साथ मुंबई तो हम आ गया, जो अपना कल्चर नहीं छोड़ा है। हाँ, लक्ष्मी पूजा का समय है 8:30 बजे है? और काली पूजा का समय है रात को 12:30 बजे। काली पूजा हमेशा रात को ही किया जाता है, उसमें डाकिनी जोकिनी सब। बस बस भाभी बस, अगले साल फिर दिवाली आएगी तो फिर बताना पड़ेगा। नारायण, अरे नहीं प्लीज, दिवाली है, बुरा मत मानिए। तुम जानता है कि तुम्हारा शादी के बाद एक पहला दिवाली है जब चिट्ठी घर में नहीं है काली पूजा के लिए। तुम जानता है कि चिट्ठी हमेशा हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के अमेरिका जा रही है। तुमको परवाह है उसकी? तुम्हारा कारण से हमारा घर का बहू हमारा घर छोड़ चला गया। हमको कुछ नहीं सुनना है, हम कुछ नहीं जानता है, बस तुमको यही जिम्मेदारी देता है कि तुम जाके हमारा बहू को हमारा घर में वापस लेके आओ। बस आना वीआईपी की तरह आना, जब सारी तैयारियां हो गई हैं। तैयारियां करने क्यों नहीं आई? वीआईपी के यहाँ हमेशा वीआईपी बनकर ही जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस वीआईपी को गलतफहमी हो जाए कि दुनिया में अकेला वही वीआईपी है। और यहाँ तैयारी करने के लिए क्यों आती? इतने सारे लोग तो है तुम्हारे पास। मैं टाइम पर आई हूँ, मुहूर्त के टाइम पर। क्या कर रहे हो? तुम्हें घर ले जाने आया हूं। तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे रोकने का कोई हक नहीं है तुम्हें स्वयं। ये मेरा आखिरी फैसला है। आई एम लीविंग एंड यू कैन नॉट स्टॉप मी। पर फायर एग्जिट क्यों नहीं है? है ना सर फायर एग्जिट, फोर्थ फ्लोर पर। फोर्थ फ्लोर, वो तो ठीक है, पर यहाँ पे क्यों नहीं है? वेंटिलेटर्स कितने हैं यहाँ पे? जी वेंटिलेटर्स, आप लोग वेंटिलेटर्स और फायर एग्जिट जाके चेक कीजिए। यस सर।
मिसेस बोस, ये सारे इंतजाम आपको कर लेने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी के भी सारे काम आप जल्द से जल्द कर लेंगे। Yes, sir. It will be done. Mr. ग्रेवाल, हमारे होटल में फायर एग्जिट है या नहीं ये किसी को पता नहीं। It's a secret. फिर ये बात इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कैसे पता चली? ये लड़की तो कुछ भी करने पर आमादा है। मिस्टर ग्रेवाल, सर्च हर कैबिन। कमल का कैबिन चेक कर लिया है, चार इंपॉर्टेंट फाइलें और मिसिंग है। अच्छा, तो कमल का ये मकसद है। मुझे अब यकीन हो गया है कि वो हमारे राइवल से मिल चुकी है। मिस्टर ग्रेवाल, फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट हर। मुझे कमल की जिंदगी के एक एक पल की जानकारी चाहिए। हाँ बेटा, बस हो गया। हेलो रमा भाई, मैं बोला तो बोला आपका चुन्नी लाल। हाँ बोलो रमा भाई, भट्ट की पूरी खोज खबर मिल गई है। इस बार भी वो काफी सारी लड़कियों को बाहर लेके जाने की फिराक में है। तृप्ति, गलत आदमी के हत्थे चढ़ गया है वो। बड़ी बड़ी डींगे मार रखी है उसको बाहर काम दिलवाने की। और रमा भाई, आपको तो मालूम ही है कि वो लड़कियों को बाहर लेके जाके कौन सा काम करवाता है उनसे। हाँ। रमा भाई, मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक वो आज रात 10 बजे की फ्लाइट से काफी सारी लड़कियों को बाहर लेके जा रहा है। ठीक है चुन्नीलाल, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। रीटा, शबू, तृप्ति भट्ट के चंगुल में फंस गई है। अगर हमने जरा सी भी देर की ना तो वो उसे बाहर ले जाने में कामयाब हो जाएगा। वो लोग आज 10 बजे की फ्लाइट से जा रहे हैं। हमें कैसे भी हो तृप्ति को बचाना होगा। माँ जल्दी कीजिए ना, आपको पता है ऑर्फनेज में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम नहीं जाएंगे वो दिया नहीं जलाएंगे। रीटा, तू कमल के साथ अनाथ आश्रम चली जा, मैं और शब्बू मौसी के यहाँ मिठाई देकर आती हूँ। वहीं से हम सीधे वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, चल शब्बू। हाँ। मैडम आप यहीं रुकिए, मैं अभी सारे पेपर्स क्लियर करवा के आता हूं। तृप्ति जी। तृप्ति बेटा, हम लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखो हमें गलत मत समझना। जी कहिए। तृप्ति बेटा, ये जो जो आदमी है ना भट्ट, ये अच्छा आदमी नहीं है बेटा। ये लड़कियों को पैसे और नौकरी का लालच देकर बाहर के मुल्क भेजता है और उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। बेटा बाहर के देशों में उनके साथ शर्मनाक और गंदे काम करवाता है।
मैं इसे कैसे समझाऊं दीदी? बेटा ये कि लड़कियों की दलाली करता है। आप क्या कह रही हैं आंटी? मैंने सारी इंक्वायरीज की है, मैंने उसका आई कार्ड और लाइसेंस भी देखा है, बाकी सब पेपर्स भी क्लियर थे। बेटा ये मक्कार आदमी है। तृप्ति बेटा, विदेशों में जाकर लड़कियां फंस जाती हैं, फिर वो कहीं की नहीं रहती, वापस अपने घर लौटने लायक नहीं रहती है बेटा। बहुत दिन बाद लगा है, पता कौन कौन है तेरे साथ? लड़कियों को लेकर बाहर क्यों भेजते है ना? पता कौन कौन है तेरे साथ? साहब मुझे मारिए मत। पता मैं सब बताता हूँ। साहब मारिए मत। तृप्ति बेटा चलो जल्दी से अंदर बैठो, चलो चल बेटा आजा। शबू जल्दी कर। हाँ ड्राइवर चलो। दिवाली ऑर्फनेज के बच्चों के साथ मनाती हूँ। पता है मेरे वहाँ पहुँचे बिना वो दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू ही नहीं करती। मेरे वहाँ जाने के बाद मिठाइयाँ खाते हैं, पटाखे जलाते हैं, दो तीन घंटे तो बहुत आराम से गुजर जाते हैं। दियो जैसे चमकने लगते हैं नौ बच्चों के चेहरे। इस बार तुम भी मेरे साथ में चलोगे, ओके? ओके। पक्का? पक्का। भूलना मत। बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस। प्रॉमिस। तुम आज भले ही मेरे साथ नहीं हो कमल, पर मुझे अपना प्रॉमिस याद है और मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। अरे सुनो सुनो सुनो, काली पूजा का समय हो गया है, चलो अंदर। चलो चलो चलो, 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 चलो। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप तृप्ति के इस हुलिया पर मत जाइए। अक्सर अच्छा हुलिया भी लोगों की आंखों में धूल झोंक देता है, जैसे कि उस आदमी भट्ट ने सूट बूट पहनकर तृप्ति को गुमराह करने की कोशिश की। ये बेचारी तो अपनी मासूमियत नहीं मारी गई, उस आदमी ने तो इसे बाहर ले जाकर बेचने की ठान ही ली थी। एन मौके पे हम दोनों वहां पहुंच गए और वैसे तृप्ति बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी घबराई हुई है और मायूस है बेचारी। आप इसका ख्याल रखिएगा। कुछ लोग तो अपनी बहुओं को आधी रात के वक्त घर से बाहर निकालते हुए सोचते तक नहीं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम दूसरों की बहुओं की भी फिक्र करते हैं,